देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले तो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो जो सिस्टम फॉर्म होता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो हमको पोटेंशियल दो कंडीशन में निकालना पड़ेगा, यहाँ तीन कंडीशन लेंगे, एनी पॉइंट लिया जाएगा। तो पहली कंडीशन लेने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल पोजिशन, एक्सियल पोजिशन, या इसको कहते हैं एंड ऑन पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अच्छी स्थिति। इसको हिंदी में कहते हैं अच्छी स्थिति। जरा समझे इसका मतलब क्या होगा। एक्सिस ऑफ डाइपोल लग रहा है, है? तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और ये ए बी पॉइंट पर रखे हुए हैं, इनके बीच की डिस्टेंस एल है, ठीक है। ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है, और इसके मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, ठीक है। अब हमको वहां से टेस्ट चार्ज लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होता है हम निकाल चुके हैं, हमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। तो पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू निकालेंगे, फिर ड्यू टू प्लस क्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू की जैसे निकालते हैं क्या होगा, वी वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि माइनस चार्ज है ये माइनस में आएगी वैल्यू, क्यू अपॉन एपी, एपी की डिस्टेंस कितनी आ रही है डायग्राम के हिसाब से, आर प्लस एल, तो ये आ जाएगा आपका माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल। ये पोटेंशियल ड्यू टू किसकी वजह से था, माइनस क्यू की वजह से, माइनस क्यू के शो तो करो इसमें माइनस क्यू, एंड दैट ऑफ ड्यू टू माइनस क्यू, एंड दैट ऑफ ड्यू टू माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू, और प्लस क्यू की वजह से हमको पोटेंशियल निकालना है। तो वी टू इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन वी हो जाएगा वीपी, बाई डिस्टेंस यहां से यहां तक ली जाएगी, और चूंकि चार्ज पॉजिटिव है तो वैल्यू भी प्लस में आई, तो ये आ गया आपका वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन वी पी बोले तो आर माइनस एल सॉरी हाँ आर माइनस एल। तो आपको नेट पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल वी इक्वल टू कितना होगा, दोनों को उठा के क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, वो साइन माइनस होगा अलग की बात है तो माइनस हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू क्या है, देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन टाउन ले लो, Q काउन ले लो, यहां क्या बचेगा माइनस का 1 अपॉन R प्लस L, माइनस का 1 अपॉन R प्लस L और प्लस का 1 अपॉन R माइनस L। जरा एलसीएम लेते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा यहां R माइनस L इंटू R माइनस L का यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां क्या हो जाएगा माइनस साइन लगाएंगे तो आएगा आर माइनस एल प्लस आर प्लस एल। जरा इसको कैलकुलेट करके देखिए क्या वैल्यू आती है, ये इधर नोट कर लिया, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आएगा V इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां देखिए हम डाइड कर रहे हैं, इधर देखिए माइनस आर प्लस एल प्लस आर प्लस एल, तो माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस एल प्लस एल प्लस टू एल आएगा, तो प्लस टू एल हो गया और नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल भाई साहब फिर घुस गए अगर कि आर के साथ, तो आप क्या लिखेंगे एस एल इज लेस एंड लेस देन आर सो नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर, क्योंकि L की वैल्यू R से बहुत 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 छोटी है इसलिए हम L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप पहचानते हैं, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो V अपॉन आर स्क्वायर, ये आपका वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल निकला ड्यू टू डायपोल इन द एंड ऑन पोजिशन, जिसको कहते हैं एक्सियल पोजीशन, जिसको कहते हैं
अच्छी स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति, हिंदी और कौन सुना अच्छी स्थिति और अनुदैर्ध्य जनप्रस्थ शायद अनुदैर्ध्य होती है उसको अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो कर लीजिएगा इसके बाद नेक्स्ट।